बल्कि पाकिस्तान जी छे जमाती उसानी ने बाम का मसूर में इंस्टॉल कर रही है जिसने विच बल्कि पाकिस्तान के नागर बंदे पढ़ने दे सारे मोमन के शिरकत की अपील है छे जमाती उसानी ने बाम का बसा मसूर होने लगे सामने मुल्क पाकिस्तान की बहुत बड़ी अजीम शख्सियत तमगर इंशादी मुकाल जाकर हबीब जाहिरी आखड़ी के तरण और इन तबास कर लमा मोहम्मद अब्बास कौमी आखत बन दे और करबला दे चुकते पाबंद ने अल्लाह तबो ब्रह्म करण दे नारे तकबीर नारे रसालत नारे हैदरी सलवात खानदान तहीद यकीनन तुहाडा इस जगह इस दरबार च आया कबूल है। कायनात च पहली इबादत मजलसे खुदावंद करबला है जिहड़ी कबूल पहले हुंदी है ये तमाम बाद च हुसैन बादशाह दे दरवाजे ते सजदा रेज बंदा होंदे ही होए जिहड़ा मौला नूं कबूल होए। एक अज़ादार सवाल कीता मौला लाराइब किताब विच बेनियाज फरमाए वतु इज्जु मन तशा वतु जिल्लु मन तशा अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत देता है। मालिक इस किताब का इलम तुहाडे सीने च बन दे इस दे के एक लफ्ज़ तो तुसी आशनाओ मेरा मालिक इरशाद फरमाओ कि ला मालिक लम यजल कुरान हकीम च गल करके मखलूक नूं दसना की चाहता है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत देता है। अली दे अली पुत्र मुस्कुरा के फरमाया अल्लाह जिन्हों इज्जत देनी हो साडे दरवाजे ते झुका दिंदा है अल्लाह जिन्हों जिल्लत देनी हो साडे दरवाजे तो दूर कर लेंदा है। इस बारगाह नूं इस बारगाह की बुनियाद रखने वाले खानदान नूं मालिक आबाद और सलामत रखे। मेरे भाइयों का बुजुर्गों का पुरखलूस तमाम खर्च खराजात सखियों के दरबार च कबूल मालिक अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले की हिफाजत फरमा शहीद अज़ादारा के दर्जात बुलंद फरमा बेजुर्म कैद अज़ादारा रिहाई अता फरमा कबर दे विच भी अली वलीउल्लाह ते कायम रहने की तौफीक अता फरमा मेरा अल्लाह तमाम ज़ियारत मुकद्दसा की हिफाजत फरमा कबर च जान तो पहले हर मातमी नूं ज़ियारत करबला नसीब फरमा जैना जैना दिल है वारिस दा ज़हूर जल्द हो जाए सलवात उच्च आवाज़ नाल जिन्हां झोलियां च पुत्र नहीं बादशाह उन्हां सारे अज़ादारां नूं जिंदगी अली अज़ादार औलाद अता फरमा इजाजत मालिक जिंदा सलामत रखन जी मेरे तो बाद मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए जनाबे मोहम्मद अब्बास कुम्मी साहब मालिक इन्होंने जिंदा सलामत रखन इमाम हुसैन बादशाह अपनी पनाह च रखन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला वलिया ना गैरा का या मौला गाजी अब्बास सवाले जिंदगी ले कर गया मैं करबो भला। कोई लंबी गुफ्तगू नहीं ज्यादा थोड़ा वक्त नहीं लेना जिस बंदे दे दिल च करबला है जिस बंदे दे दिल च करबला दे मालिक दी मोहब्बत है दो मिसरे फजाइल का एक समंदर शायद पता नहीं कौन है शेर मेरा नहीं
अगर शायर जिंदा है मौला जिंदगी करे, अगर दुनिया तो चला गया है मौला इस शेर का सवाब कयामत तक उनिया नस्लों में इरसाल फरमान। सवाले जिंदगी लेकर गया मैं करबो बला, कफन हुसैन ने दे कर कहा कि जीते रहो। कफन हुसैन ने दे कर कहा जीते रहो, जीते रहो। भाई सकलैन उन्हें मिंबर से उठ के मैंने दसाया जो मैं मालकां दी दहलीज ते सजदा करके आया, मेरा उन्हें कदमां ते भी बूसा है जेड़े बादशाह दी जागीर चो है। मातमी अजादार करबला तो वापस आया, एक मुनकरे इमाम मिलया, वादा किथे गया से मातमी आदा मेरे इमाम तरस कीता मैं हम शक्ले पैगंबर मालिक दी जागीर दी ज़ियारत तो वापस आया। अच्छा तू करबला तो आए? मातमी आदा हाँ। तुसी शिया दे हो जड़ा करबला दी ज़ियारत करे वह बंदा जन्नती हुंदा है? मातमी आदा यकीनन बेशक। वो आदा इसका मतलब है तू फिर जन्नती है? सीने ते हाथ रख कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर तू मेरे सिर ते कुरान भी रखे ता भी मैं ये गल करांगा कि मैं जन्नती हाँ। मैं जिंदगी च इतनी जल्दी नाल मजलस नहीं पढ़नी जितनी मैं आज पढ़ना चाहना। आदा तू जन्नती है? मातमी आदा अल्हम्दुलिल्लाह। आदा जे तू जन्नती है ते अपने नबी दी हदीस नहीं सुनी? आदा केड़ी? ओ आदा अल्लाह दे नबी इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा जन्नती होएगा ओदे बदन च जन्नत दी खुशबू आएगी। अगर तू जन्नती है खुशबू क्यों नहीं आ रही? मलंग दी अख चक पा कहदा तू हदीस सिर्फ इत्थों तक सुनिए। अगे अल्लाह दे नबी इरशाद फरमाया मुनाफिक बंदे नूं जन्नत दी खुशबू नहीं आ सकदी। कबर तक मोहताज ना हो जरा इस टाइम से बुलंद हो गया जिस बंदे का राज कली है हाथ चा है दरी। सवाल जिंदगी लेकर गया मैं करबो बला, कफन हुसैन ने दे कर कहा कि जीते रहो। जेबा तुझे गरूर है ऐ खाके करबला, क्योंकि खुदा का नूर है तेरी आगोश में। करबला ये भी तेरी बरतरी अफलाक पे है। ऐ शेर दा वजन घर जाके करे जी, अलम थले बह के नौकर दी बात नु सोचिया जे। करबला ये भी तेरी बरतरी अफलाक पे है, क्यों सजदाए आखरे शब्बीर तेरी खाक पे। कसीदा पढ़िए जनाब, एक शेर मेरे भाई का हुक्म है तो जल्दी दे नाल मैं उसने दो शेर पढ़ के चंद मिनट जिक्र मसाइब बुजुर्गों नु मिंबर दे दीए। तो एक सलवात पढ़ो जी सारे आजादार। हाँ इमाम बारगाह सजादिया जी तीन जमाती उसानी मंडी बहाउद्दीन, इंशाल्लाह मौला पाक मेहरबानी फरमान मगरबैन तो पहले मैं नौकरी अपनी पेश करांगा। डॉक्टर अलामा इकबाल साहब उन्ह फरमाया ना पूछ वक्त की इन बेजुबान किताबों से, सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। नमाज और अजान, नमाज और अजान, किबला इजाजत मैं कसीदा पढ़ा जी। नमाज और अजान, नमाज और अजान, कसीदा भाईजान शुरू। रूहे नमाज है
अली रोहे अल्लाह हुसैन। आजादार की इज्जत और सलाम है हबीब रज़ादा, क्या बात है, मेहरबानी हजूर। जेड़े बंदे या अली नहीं पे आंदे तुसी चौधरी वड्डे हो, सन तो बंदा चंगा ही लगता है जेड़ा लबैक या हुसैन आखे तो उच्चे आवाज नाल या अली आखे, तुहाडे मुरब्बे तुहानू मुबारक। सईदा दी जुतियां दा नौकर आ जेड़ा बंदा मातमी है ओदी जुतियां दी खाक हबीब रज़ा तो अफजल है। जुमला को सुने तो भावे ना सुने, लख लानत उस जुबान ते जेड़ी शायद अफरीदी दे छक्के ते बोले ते नारा हैदरी ते ना बोले। जिसको कुरान खुद पढ़े जी करो, ऐसा कुरान हुसैन है। एक लम्हा मैं जनाब दा जाया नहीं करना चाहता, कौन हुसैन दीने खुदा को नाज है जिसके अर्श है वो आसमा हुसैन है। अल्लाह बादशाह ने रहीम रहमान मालिक ने एक बात की थी है जड़ी जनाब नु सुनाना चाहना। अल्लाह बादशाह फरमा रहे मैं हूं खुदा वाह।
ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਮਰਵਾ ਦੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮਾਰ ਵੀ ਨਾਰਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਲਾ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ वजूद है अली मेरी जुबान हबीब रजा दा सलाम है उस बंदे दी जुत्ती नूं जेड़ा बंदा एडे औखे दौर च अली हक दी सदा बुलंद कर रहा है। गुजारिश है वे मेरे नहायत वाजिब सामेईन इज्जत मां बजादारो सर्दी दे मौसम च गर्म पानी नाल वजू करके हीटर आले कमरे च रेशमी कालीन ते खलो के दरवाजे बंद करके दो रकत नमाज पढ़ना होर गल्ले मैदान च खलो के तलवार दी धार थले गर्दन रख के अली हक का खड़ा होर गल्ले लो जी एक मंजर बनावे जी रोजे माशर सी सारे जन्नत च जा रहे होंगे इंज करके इंशाल्लाह नहीं यकीनन इंशाल्लाह च डाउट है तो जन्नत च हुसैन दे मातमी नहीं जाना तो जन्नत है ही कोई नहीं। सानू पक्के बल्कि हथ पैर को भी पंजी नाल लै के भी जाने जी बाबा जी जी इंज करके से जा रहे होवांगे एक आवाज आएगी रुक जाओ असि रुक जाओ अल्लाह के फरिश्ते अक्सर ओ जेड़ा सामने खूबसूरत महल नजर आ रहे हैं ना जल्दी जल्दी उन्दे च दाखिल हो जाओ। मैं रुक के पीर रसनाथ शाह जी फरिश्ते अगे हाथ जोड़ के आखांगा कि सरकार खैर है उस महल की प्रोग्राम अल्लाह दे फरिश्ते मुस्कुरा के अक्सर जितना जल्दी हो सकता है उस महल चले जाओ आज बतूल दा पुत्र कौम शिया नाल खिताब करना चाहता है शाबाश जवानिया मानो सलामत रहो बाबा शहजाद जी मैं हज आ गए हैदरी एक सेकंड तो पहले असि उस महल च पहुंच जाएंगे। सोचा तो बाद के खूबसूरत महल सोचा तो बाद के खूबसूरत मंजर सोचा तो बाद के खूबसूरत कालीन खूबसूरत खुशबू खूबसूरत मंजर सोचा तो बाद के खूबसूरत मिंबर ते मिंबर ते अलम तैयारी पिछले जदार सर चाहो जी 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 मेहरबानी सरकार मिंबर मिंबर ते अलम निगरान ततहीर मकसद मेराज फख्र इन्ना माओ फख्र सादात नतीजे पंज तन अब्बास सरकार मिंबर ते आसन आजादारो सोचो तो सही वो वक्त कैसा होएगा वो मंजर कैसा होएगा जो अलमा दे सामने अलमदार आप हो जी सरकार मिंबर ते आउणगे असि सारे खड़े हो जाएंगे अपने बादशाह दा सलाम करांगे मौला फरमाणगे ऐ साडे शियो तशरीफ रखो अज जन्नत च मेरा मालिक हुसैन तुहाडे नाल एक खास गल करना चाहता नवाब करबला दा ऐलान मौला गाजी सरकार आप करे सन मर जल बह रहे ताहिर ते तैयब मोती तेरा ते मेरा मालिक हुसैन ताहिर ते तैयब कदम जाके मिंबर ते आके मुस्तफाई अखा जाके किबरियाई लहजे नाल किबरियाई अंदाज नाल कौमे शिया नाल हुसैन बादशाह जन्नत च पहली गल केड़ी कर सन इतने संगे नवाक में तुमने मेहरबानी सही आजादा दोनों हाथ बुलंद कर गए हैदरी
میرے کو اتنے الفاظ ہی نہیں جنہاں نال میں تھوڑا شکریہ ادا کروں میری اتنی اوقات ہی نہیں جتنا تساں پیار فرمائے گل کیڑی اکشن بھائی اتنے چنگے حسین ہے قرآن حسین ہے آسمان حسین ہے زبان حسین ہے میزبان ایو ویلا بی بی فضا دے گل چ بائیں پا کے دھی علی دی پیا دی آئی جی بھر کے رو سکینہ میں بھی بھی تنکی سکا محتاج نہ کرے جی کرا جی بھر کے دو سکین میں ایسا میرا نصیب ہے ستر قدم کا فاصلہ مقتل چار منٹ کیونکہ مینو آپ احساس ہے برامدگی ہوئے گی اللہ بھاوے اپنے وسد گھر جاؤ میں بھائی رضوان قیامت اس وین کی تین حسین بادشاہ دی بطول دھی دے رباب دو موتیاں دی ماں علی بادشاہ دی سب تو امیر نوں دا نام بھی رباب دے
मंडी वाले सब तो गरीब नूं मैं इवैन ए लोरी शबे आशूर पढ़ी आई एक जगह ते या उस तो बाद एक जगह ते मुहर्रम तो बाद आज तीसरी या चौथी मरतबा एवं मेरा दिल बन गया क्योंकि जनाजा बरामद होया हुसैन बादशाह दी धी दा तो मैं दसना चाहना कि शबे आशूर भैन भिरादी आखिरी रात हर मां दे सामने पुत्र हर भैन दे सामने भिरा शेर में किबला की याद आ गया मलक अली जाफर साहेब किबला दर्जात बुलंद बहुत कई शायद वो पढ़ते होंगे सैयद की इस्तकामते असगर पे थी नजर करबल का सारा बोझ था नन्नी सी जान का भला शाम हो गई तो पिन लेना भला वे थोड़ा सैन पाक राजी हो गए शाला जवाने अली दी धी किसी का मोहताज ना करे आखिरी रात शबे आशूर भैन भिरानू झोली छपाए चार साल दी बतूल छे महीने दे अली नू झोली छपा के हुसैन दे पुत्र दे तस्से मुर्तजाई लब चुमके भला मैं मिन्नत करता रहना जितनी देर तक मेरी जिंदगी मैं कर दिया रहना है अदब सुन के रोबिया कर मालकां दी तौहीन सुन के ना रोबिया कर 1400 साल तो बाद मामा भेणा धीआं नूं लैके अज गलियां च इस वजह तो पिया रोना है मुसलमाना कुरान दियां आयतां दा अदब नहीं कीता आले मोहम्मद मजलूम ने मजबूर नहीं अली दियां धीआं दियां चादरां लथियां ने हिजाब नहीं बहुत बड़े मसाहिब खान मेरे तो बाद मौजूद हैं एक जुमला मैं कुमी साहिब की बिला पढ़ना चाहना अजादारा वास्ते ताकि घर जाओ अलम थले बह के अपने नौकर दा जुमला याद करी भावे सज्जाद दे हत्थां च कड़ियां गल च तौकई पैरें च बेड़ियां अलम दी कसम है सूरज यारा मुहर्रम सज्जाद आखे ते चढ़े बिस्मिल्लाह करा मैं जो पढ़ना है मैं पढ़ लें मैं जरा पैगाम देना है जी जवानियां माड़ो बिस्मिल्लाह करा सैन जुबान असीर अता करी बस भाई मुकाम भाई बहना बिरावा ने लोरियां देनिया रहनिया जिन्ना झोलियां च पुत्र नहीं ए कुदरती चिट मेरे सामने आई है तो चलो मैं ये भी दुआ ज़हन च रखदा इस शहजादे का सदका कायनात च पहली मां है कायनात च पहली मां है जेड़ी खाली झूले ते हाथ रख के कायनात च पुत्र तकसीम कर पहली मां अली असगर दी शाम च जदा जंजीर लै गए तो 25,000 औरत शाम दी आई हाथ जोड़ को ना के बीबी साढ़े को कुछ मंग अगला जुमला सुने बीबी साढ़े को कुछ मंग तो दी अली दी एक जुमला आखे बीबी पाक फरमाए मैं क्यों मंगा मैं कोई गरीब हाँ मैं कोई गरीब हाँ
सैन फरमाया करीम भिलावा दी बहनों के हुक्म देनिया इस 25,000 औरत चो जिस बीबी को पुत्र नहीं जाओ उस बीबी तो मंगो जड़ी धूप ते बैठी हुई जुमला सुनो तो पढ़ा बात बीबी फरमाया जिन्हें मामा दे जवान ने जाओ उन तो दुआ मंगवाओ जिन्हें सेरे अंत घोड़े बात छे महीने दे वीर नू झोली च पाके हाँ भाई मेरे अजीजो मेरे बुजुर्गो मेरी सहन दे अजीम अजादारो किबला कुमी साहब इजाजत है सैयदादा सहन मेहमान है सहन मेहमान है भाई थोड़ी कुमी साहब ताईद कर सन जाकरीन तो सुने किताबें पढ़े उलमा तो सुने जिथे गरीब दी मजलस होवे फजर दी नमाज मामा धियां उस मोमन दे घर पढ़ दी शाम दी बनकर राजी हो गई ज्यादा पढ़ गया माफ करे भिरा नु झोली छिपा के एक बारी मंजर बनावी शबे आशूर करबला दा जंगल शहीदां दे खैमे कुरान दियां आयतां तस्सियां दरिया वहदे पैन छे महीने दे तस्से भिरा नु झोली छिपा के हुसैन बादशाह दी धी ने वीर लोरी दी असगर दे लब चुम के मेरी सैन जड़ी गल की थी देवे लोरिया सकीना चमवीर दसीना वे समपली असगर भला देवे लोरिया सकीना चमवीर दसीना वे समप अली असगर है वे समप अली असगर करो सवाल हबीब रजा भैन भिरा नाल होर गल कीती या कोई ना छे महीने दवीर नुहाना ला के बीबी आदन अज तो तू बाद समी बाबे दे कोले सारे बंदियां नू मेरी गल दी समझ नहीं आई केड़ा बंदा है जड़ा जमे शिया दे घर होवे तगली गल बर्दाश्त करे जी अज तो तू बाद समी बाबे झोलियां च पुत्र नहीं इस बादशाह दी शहादत दा सदका अली असगर दी पाक मात नूं मातमी फरजंद अता करे अपने वीर दियां चोटियां चुमके भैन भिरा दे तसे लब चुमके जिन्हां अजे ताईं मातम नहीं कीता हुसैन दी धीआ दी असगरी याद तेरी शाम विच बड़ा तड़े पावे किन्नू लोरिया
ਜਣੋ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤੜ ਪਵੇਗੀ ਦੱਸ ਕਿਨੂੰ جملہ پڑھا اور پڑھا زدارو میں پتر قربان کر رات آخری شب عاشور بی بی نسگر چند لمحات دی مہمان رہ گئی رات کل دن چڑھنے مٹیاں تے سمیڑ جنگل چ رلنے دکھ تیرا قبر دے وچ بھی نہیں بھولنے ہے بھی آخری رات نہیں ہونی ملاقات وسم پو سونا رونے ہو سد کے جاوا اچھا اگر اجازت دیو تو ایک گل میں ماما نال کر بہنا نال گل کر لوا تو اجازت ہوئے کیونکہ سانو ساڈے نال زیادہ ماما بہنا بھائی پتا ہوندا ہے جیڑی گل میں پوچھن لگا اجازت پوچھ لوا میں پوچھدا اس ویلے دا صدقہ میرا اللہ اس ویلے دا واسطے علی دی دید روزے دی حفاظت فرما میرا اللہ تیری توحید دی خاطر پتھر جھلیں دی رہی ہے میرا اللہ اپنی توحید واسطے میری سین دے روزے دی حفاظت فرما منڈی والے شام دے ٹائم میں دعا پیا منگدا قبر چ جان تو پہلے اکبر دا بابا تینوں ایک واری شام ضرور بلاوے شام جاوے کلا نہ جاوے تیری ماں نال ہوئے تیریاں دھیاں نال ہون پردادار نال ہون جندے اجے وی آئے نے نکلی تو شام جاوے تیرے سجے موڈے نال تیری بہن ہوئے تینوں آپے پتا لگ ویسی اے تو کیویں گزری اے دھی علی دی بھائی سکلین میں شام حاضر ہویا اوتھے جھول دی برامدگی آئی زری تے میرا ہاتھ جھوٹ بولا مجرم وا سیدادا جھول دی برامدگی آئی میرے مرشد میں سمت مار بخاری آدن حبیب رضا بڑا خوش نصیب ہے اصغر دا جھولا اوتھے برامد کروان لگا جتھے اصغر دی ماں دو قبراں بنا کے باندھی آئی ایک قبر تے لکھ دی آئی ہائے سکینہ دوجی تے لکھ دی آئی ہائے اصغر جنہ جھولیا چ پتر نہیں منگ لویا ہے علم دی قسم ہے بھاویں شیعہ ہوے بھاویں سنی ہوے کہ مذہب دے قانون دے وچ
अते लाश नहीं कैद कराई गई ओ भावे मैयत होवे बेवारस दी बिन कफन दे नहीं दफ चौदी सदर सुनी सदके सदके आधा पे आई को कब समय पहली लाश है ओ दुनिया ते जड़ने से अनाल जड़िया दिया